बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बना रहे हैं शवारमा सैंडविच। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। मैंने 400 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है, 4 टेबल स्पून दही, एक दरमियाने साइज़ का प्याज, आधा कप शिमला मिर्च, 1 टेबल स्पून लीमू का रस, 2 टेबल स्पून ऑयल, 1/2 टीस्पून लहसुन पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून पापरिका पाउडर, 1/4 टीस्पून अदरक पाउडर, नमक हसबे जायका, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर। एक बाउल में चिकन डालेंगे, लीमू का रस, दही डालेंगे, सारे मसाले डालेंगे, इनको मिक्स करेंगे। चिकन को मैरिनेट होने के लिए रखेंगे 15 मिनट। 15 मिनट गुजर गए हैं, चिकन को तैयार कर लेते हैं। ऑयल लेंगे, ऑयल गर्म हो गया, इसमें मैरिनेटेड चिकन डालेंगे। चूल्हे को मीडियम रखेंगे और इसको 2 मिनट तक पकाएंगे। चिकन को पकते हुए 2 मिनट गुजर गए हैं। अब हम चूल्हे को कम कर देते हैं और इसे 10 मिनट के लिए ढक देते हैं। चिकन को पकते हुए 10 मिनट गुजर गए हैं। चूल्हे को मीडियम टू हाई कर देते हैं और इसको ऑयल अलग होने तक भून लेंगे। चिकन को मैंने अच्छी तरह भून लिया। अब इसमें शिमला मिर्च डालेंगे, प्याज डालेंगे, इनको 2 मिनट तक भून लेंगे। इनको पकते हुए 2 मिनट गुजर गए। अब हम चूल्हा बंद कर देते हैं। अब हम सैंडविच के लिए सॉस तैयार कर लेते हैं। सॉस तैयार करने के लिए मैंने 1/3 कप केचप ली है, 1/3 कप मायोनीज़, 1 टीस्पून चिली सॉस, 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट, 1/4 टीस्पून पापरिका पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, नमक हसबे जायका और 1/4 टीस्पून लहसुन पाउडर। सारी चीज़ों को एक बाउल में डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। पीता ब्रेड को मैंने तैयार कर ली है, इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एक पीता ब्रेड लेंगे, इसके ऊपर गार्लिक चिली सॉस लगाएंगे, इसके ऊपर तैयार किया हुआ चिकन रखेंगे। इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ डालेंगे। इसके ऊपर तैयार किया हुआ सॉस डालेंगे। इसके ऊपर पीता ब्रेड रखेंगे। इसके ऊपर गार्लिक चिली सॉस लगाएंगे। इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ डालेंगे। इसके ऊपर सॉस डालेंगे। इसके ऊपर ड्राइड ओरिगानो और कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। मैंने बेकिंग ट्रे में ऑयल लगा ली है, इसको हम ट्रे में रख लेते हैं। इसको हम प्री हीटेड ओवन में रखेंगे 180 डिग्री पे चीज़ मेल्ट होने तक। इसी तरह से हम दूसरा भी तैयार कर लेते हैं। इसको फ्राइंग पैन में तैयार करेंगे। फ्राइंग पैन में ऑयल लगाएंगे, इसमें तैयार किया हुआ शवारमा रख देंगे। चूल्हे को कम रखेंगे और इसे ढाँप देंगे चीज़ मेल्ट होने तक। ओवन वाला तैयार हो गया, इसको मैंने निकाल लिया है।
फ्राइंग पैन वाला भी तैयार हो गया, चूल्हा बंद कर देते हैं और इसको निकाल लेते हैं। शवारमा सैंडविच तैयार है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।